आगामी अवा के अहम खबर है आवास टीवी सीतारोड के रिपोर्टर राजा चन्ना से पुलिस के बासर वडेरे के चुर्च से तशद्दुद किया वो केस भी दाखिल किया है। आवास टीवी सीतारोड के रिपोर्टर राजा चन्ना से पुलिस के तशद्दुद खिलाफ सजी सिंध में सहाफी सरापा एहतजाज हैं सहाफी तंजीमन पारा वाक़े की मजम्मत की वही है। अवे बुधाइंदा हलूँ सहाफ़ी राजा चन्ना के अदालत 14 दिन की रिमांड से जेल उमाणे छोड़ो है। वकील पीर हनी पारा सहाफ़ी जो केस विण जो फैसलो किया है। इन तफसील वी दादू माँ तारिक लगारे खान तारिक आगा जो सहाफ़ी राजा चन्ना के 14 दिन की रिमांड से जेल उमाणे वो है तफसील है। हाँ जी, सीता रोड पुलिस एक वडेरे की चुर्च से आवाज टीवी सीता रोड के रिपोर्टर राजा चन्ना के सख्त तशद्दुद जो निशानो बनाया है। राजा चन्ना खिलाफ एक वडेरे की चुर्च से सीता रोड थाने से एफआईआर पिण दाखिल की हुई है। जै एफआईआर में राजा चन्ना के अज जो सो अदालत में पेश किया वो उनखां पोए केस डिस्ट्रिक्ट जेल दादू में 14 दिन की रिमांड से मुंतकिल किया है। वडेरे के चुर्च से पुलिस पारा सहाफी राजा चन्ना से तशद्दुद खिलाफ सहाफी जे सरापा एहतजाज बनल हैं। सहाफी तंजीमन सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समेत जन तंजीमन पारा वाक़े की सख्त मजम्मत कर मुतालबो किया है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आई जी सिंध का तो जो सो इन वाक़े में मुलवस जे वडेरो है उनसा गड जे पुलिस अहलकार उन्हें खिलाफ कार्रवाई की वे। सहाफिन जो मुतालबो है तो पुलिस जो वैश्याणो तशद्दुद किया पुलिस गर्दी कई वही है उनकी जांच कराई वे। सहाफी राजा चन्ना खिलाफ दाखिल पूरा केस खत्म कर उनके आजाद किया वे। जी ठीक है तारिक, बड़ी मेहरबानी अवे तफसील का आगाह करने लाए। नाजरीन अवां के आगाह कंदा हलूँ आवाज टीवी सीता रोड के रिपोर्टर राजा चन्ना से पुलिस के बासर वडेरे के चुर्च से तशद्दुद किया है। आवाज टीवी सीता रोड के रिपोर्टर राजा चन्ना से पुलिस के तशद्दुद खिलाफ सजी सिंध में सहाफी सरापा एहतजाज हैं सहाफी तंजीमन पारा वाक़े की मजम्मत भी कई वही है। अवे आगाह क्यों पाया आवाज टीवी सीता रोड के रिपोर्टर राजा चन्ना से पुलिस के बासर वडेरे के चुर्च से तशद्दुद किया है। इन हवाले से अस रबो किया सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल के सदर गाजी झंडीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम गाजी झंडीर साहब। वालेकुम अस्सलाम गाजी साहब। सहाफिन मथा पुलिस गर्दी जहाँ वाकया डी ओडी वा पाया वन कल भी एक अफसोसनाक वाक्य पेश आयो। आवाज टीवी सीता रोड के रिपोर्टर राजा चन्ना मथा अहलकार पारा बासर वडेरे के चुर्च से बहरा मानू तशद्दुद किया है जै खिलाफ सिंध जहा सहाफी सरापा एहतजाज हैं अवान जो इन बाबत चवना है। जी बिल्कुल, ये तमाम वही ज्यादती थी है। दादू पुलिस सीता रोड थाने ते केस दाखिल किया है राजा चन्ना के खिलाफ जो केस मुकम्मल तौर से कूड़ो ए बेबुनियाद है। जो असल सिचुएशन है वह ये तो राजा चन्ना इलाके जो मुतहरिक सहाफी है बेबाक सहाफी है जो आम मानन के इशूज से माजी में भी लिख रो है। इन कर इलाके जहा बासर मू मत दमरियल रहा है इन बुनियाद से राजा के खिलाफ इन पैरिया भी मुख्तलिफ कोर्टन में कूड़ा केस दाखिल थियल कल जो वाक्य पेश आयो है उनमें पुलिस के इस्तेमाल किया है। न रुगो राजा के खिलाफ कूड़ी एफआईआर दाखिल थी है पर उनको तशद्दुद किया है सामू आंधवास के सामू है तो कें बेरहमाने तरीके से पुलिस वारा खेस खुलेआम विच बाजार में आम मानन के सामू मजमू लगाए तशद्दुद करन पाया उन खेस फौरी तौर से जेल उमाणो वो है। इन हवा से सी सिंध जहा सहाफी नगो सरापा एहतजाज हैं पर प्लानिंग करन पाया तो बड़े पैमाने पर इन हवा से पुलिस गर्दी के खिलाफ एहतजाज किया वे। तवे इल्म में है तो जिते भी को चुरंदड़ पुरंदड़ सहाफी सच लिखे तो उतां जहा इलाक ताकतवर मानू पुलिस के टूल कर इस्तेमाल करन था सहाफिन के खिलाफ कलमकार के खिलाफ। ये जो कल राजा चन्ना वो वाक्य है यो सागो है तल्म में है तो सीता रोड थाने से जो एफआईआर दाखिल कई वही है सहाफी के खिलाफ उन एफआईआर में तोड़े जो मठस्थ इल्जाम मड़ो वो है तो उन हसास प्रोग्राम जी रकम मां कटौती कई है पर उन हाले से पुलिस न को फरियादी सामू आने सकी है खान की न वरी को शाहिद आने सकी है जैमां पचरो है तो पुलिस की बदनीयती है। जैसे सहाफी जो इल्जाम पे हो तो उनको खानगी फरियादी होजन घुर्ज आ या उनका शाहिद पुलिस के एफआईआर में वाजे कर घुर्जन तो कड़न मानन खां या कड़न औरतन खां सहाफी गतवती कई हुई पर इन वाले से पुलिस कुछ भी सामू ना आने सकी है वाजे आ पचरो आ तो ही पुलिस की बदनीयती है। पुलिस कें चुर्च से
एडी वही कार्रवाई कई है साफ ही श्री सिंध में एहतजाज करन पाया प्लानिंग कई वे पी साफ इनके तरफा तो वे पैमाने से एहतजाज कर। अच्छा अच्छा गाजी चंडी साहब अवान जी सिलसिले में पुलिस के आला अमलदार सा का गाल बोल थी है या अवान जी तंजीम पारा मुलोस जवाबदार खिलाफ कार्रवाई लाए केड़ो लाए अमल जोड़े वो है। जी बिल्कुल सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल जहाँ दोस्त एहतजाज करन पाया इन वाले से शुरुआत है कल मुझो पुलिस के सीनियर अमलदार से राबो थो उनको यो मौकुफ है तो एफ आई आर दाखिल वही है इन कर एफ आई आर की जाँच थी पर असा चूं था तो इन मामले की आला पैमाने पर जाँच कराई वे जी पूरी बदनीयती वाली एफ आई आर आ रुगो यहाँ वापस वरती वे पर जे पुलिस जहा अहलकार या अमलदार सहाफी से तशद में मुलविस उन खिलाफ केस दाखिल किया वे दहशतगर्दी एक्ट तहत खेन कानून के कचहरे में आंदो वे हि जो सूरत हाल है यह रुगो राजा मेमण के खिलाफ ना है पर मजमूई तौर से इन किस्म की इन्वायरमेंट पैदा कर सी सिंध में सजे मुल्क में सहाफिन के फौसलदा किया वे पो उनो कम या पेशेवरानी जिम्मेदारियों अदा कर रोको वे पो इन ही जो राजा मेमण वो मामलो है उनते सजी सिंध जहा सहाफी संजीदा अस कोशिश करूं पाया तो पहरे मरहले में पुलिस की जी सीनियर लीडरशिप है उनके इन बात हवाले से आगाही दूँ बे मरहले में अस एहतजाज की तरफ देना। ठीक है गाजी चंडी साहब वही मेहरबानी अवान जी आवाज़ टीवी के टाइम देने लाइ।